नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि एक बार फिर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जी हां, हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बात करेंगे द मास्टर ऑफ अटैक मिखाइल ताल की। दोस्तों, अब तक हमने तीन वीडियो देखे हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैंडिडेट टूर्नामेंट में उन्होंने सिमिस्लाव को पराजित किया था। उसके बाद हमने देखे थे उनके शॉर्टेस्ट गेम का एक वीडियो, और उसके बाद हम वापस कैंडिडेट टूर्नामेंट में आए थे 1959 के, और हमने देखा था उन्होंने पॉल बैंको को पराजित किया था बेहद ही शानदार और आक्रामक खेल में। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं विश्व चैंपियनशिप में। 1960 में ये विश्व चैंपियनशिप खेली गई, जो कि 15 मार्च से मई तक चली थी। मुझे जहां तक याद पड़ता है 1960 में टूर्नामेंट हुआ, और इस टूर्नामेंट को जीता मिखाइल ताल ने। जी हाँ, वो बने विश्व चैंपियन, 8वें विश्व चैंपियन। हालांकि इसके बाद भी विश्व चैंपियन में बुटवेनिक ने उन्हें पराजित करते हुए पुनः विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया, पर फिर भी 1960 का वह मैच कई मायनों में बेहद खास था। तो आइए देखते हैं उस मुकाबले का पहला मैच। इससे पहले कि हम पहले मैच की ओर बढ़े, आइए नजर डालते हैं उस टूर्नामेंट की पूरी स्कोर शीट पर। अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला मुकाबला ही मिखाइल ताल ने जीत लिया था, जो कि हम आज देखने वाले हैं। उसके बाद चार मुकाबले ड्रॉ हुए, उसके बाद लगातार दो मुकाबले ताल ने जीतते हुए तीन अंकों की बढ़त बना ली सीधे सीधे। पर उसके बाद 8वां और 9वां राउंड वो हार गए, और बढ़त जो है वो सिर्फ एक अंक की रह गई। पर पुनः 11वां राउंड जीतते हुए उन्होंने बढ़त दो अंक की कर दी। उसके बाद लगातार चार मुकाबले ड्रॉ रहे। 17वां राउंड पुनः जीतते हुए उन्होंने अपनी जो बढ़त है उसे तीन अंकों तक पहुंचा दिया, और उसके बाद 19वां मैच जीतते हुए उन्होंने बढ़त को जो है वो चार अंकों तक पहुंचा दिया, और 21 मैच के बाद 12.5-8.5 के जो मुकाबले है मिखाइल ताल ने जो है विश्व चैंपियनशिप जो है वो हासिल करी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से बुटवेनिक जैसे खिलाड़ी को इस तरह से पराजित करना और चार अंकों के मार्जिन से पराजित करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और अपने आक्रामक खेल के साथ बेहद युवा 23 साल के उस समय सबसे युवा विश्व चैंपियन मिखाइल ताल बने थे। उसके बाद उनका रिकॉर्ड गैरी कास्परोव ने तोड़ा, पर तब तक एक सनसनी बन के उभर गए थे मिखाइल ताल, और आज तक उन्हें याद किया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला मुकाबला। तो दोस्तों, यहाँ पर खेल शुरू हुआ E4 से, जैसा कि ताल की जो है वो लगभग फेवरेट लाइन थी, हमेशा वो E4 खेलना पसंद करते थे। जवाब दिया फ्रेंच डिफेंस से E6, D4, D5, Knight C3, Bishop B4, ये मेन लाइन जो फ्रेंच की है उस पर गेम हुआ। E5, C5, जैसा कि हमेशा होता है सेंटर पर आक्रमण करते हुए C5 खेला जाता है इस लाइन में। तो A3, Bishop C3, यहाँ पर Bishop A5 भी एक लाइन है, बट इसमें जो है Bishop into C3 खेला गया, B into C3, Queen C7। अच्छा, अगर देखें तो आज के समय में कई बार जो है कई खिलाड़ी जो है यहाँ पर Knight E7 खेलना जो है वो पसंद करते हैं, पर इस पर भी लाइन है जैसे Queen G4, यहाँ पर कैसल भी कर सकते हैं, King F8 भी एक लाइन है, जिसके बाद H4, Queen C7, इस तरह से जो है खेल जो है वो आगे बढ़ता है। कई बार यहाँ पर Queen C3, BD2, एक पॉन दे दिया जाता है बदले में, लेकिन जो है वाइट के पीसेज जो है वो डेवलप हैं, और आप देख सकते हैं काले के मौर्य जो है बोर्ड पर अभी उतने एक्टिव नहीं है, इसी का कंपनसेशन जो है वो सफ़ेद मौर्य के खिलाड़ी को रहता है। खैर, खेल कैसे आगे बढ़ा देखते हैं। Queen C7, जवाब दिया Queen G4, अग्रेसिव मूव मिखाइल ताल की, युवा मिखाइल ताल 23 साल के, और ये भी पहला मौका था मिखाइल बुटवेनिक के साथ भी कि कोई एक खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, और उनके ऊपर जो है पहले ही मैच से जो है दबाव बनाने की कोशिश, आक्रामक शतरंज खेलने की कोशिश, और सफल भी रही क्योंकि ये मैच जीते मिखाइल ताल। Queen G3, यहाँ पर F5 खेला, Knight E7 भी खेला जा सकता था यहाँ पर, Queen G7, Rook G8, जैसा कि इस लाइन में अधिकतर होता है आपने देखा होगा Queen G4 वेरिएशन में, और कुछ इस तरह से मैच खेला जा सकता था, और कमोबस वाइट की जो स्थिति है वो अच्छी है, और ये खैर मैं कह सकता हूँ कि ये जो खेल है ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और कुछ इसी तरह से खेल आगे बढ़ता है। E5 का आपका प्यादा कमजोर रहता है, पर कहीं ना कहीं ये जो आपके दो बिशप हैं ये बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, और ये जो ब्लैक का खुद का सेंटर है वो सफ़ेद के राजा को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करता है उसके ऊपर आक्रमण होने से, और दो पॉन प्यादे जो है वहाँ के चले जाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉन होता है, तो कई बार ये पॉन से आगे बढ़ के ये रुक बाहर आता है। ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि सफ़ेद के जो मौरे होते हैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बोर्ड पर आते हैं, और आप इस मैच में देखेंगे भी कैसे मिखाइल ताल ने पीसेस को जो है बोर्ड पर लेकर के आए बहुत ही क्रिएटिव तरीके से। इसीलिए लाइन जो है जो भी खिलाड़ी कॉम्प्लिकेटेड खेलना पसंद करते हैं, टैक्टिकल खेलना पसंद करते हैं, वो जरूर इस लाइन को पसंद करते हैं। खैर, मैच में हुआ Queen G4, तो यहाँ पर जवाब दिया उन्होंने F5, सो मिखाइल ताल ने यहाँ पर खेला Queen G3, यहाँ पर Knight E7 निकाला, यहाँ पर शायद Sc2d4 इस तरह से मैच चल सकता था, और अगेन आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर आप चाहें तो आप G7 मारिए या बिशप D3 भी संभव है, निकाल करके शांति से भी खेल खेला जा सकता है। खैर मैच में हुआ Knight E7, यहाँ पर मिखाइल ताल ने जवाब दिया आक्रामक तरीके से Queen into G7, Rook G8, Queen into H7। अब आप देखें बोर्ड पर पॉन्स की पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉन है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 3, 7, मतलब एक प्यादे की जो बढ़त है वो ऑलरेडी जो है सफ़ेद के पास है C into D4। इसके जवाब में जो ताल ने चाल चली, दरअसल उसका इन्वेंशन जो है उस चाल को सबके सामने लेकर के आए थे मैक्स प्यू, तो उसका फ़ायदा लिया King D1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है जब आप किंग को सेंटर में रखते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो पॉन स्ट्रक्चर ये खुद ही सफ़ेद को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ आने से ये थ्रेड आपकी पूरी तरह से जो है वो बंद हो गई। अब अगर इस पोजीशन में यहाँ पर तो जवाब दिया Bishop D7, बट अगर यहाँ पर Queen into C3 आते तो Rook B1 और Knight B6, तो Rook B3, तो देख सकते हैं कि मोहरे जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो एक्टिव होंगे, और Queen A5 के बाद Knight F3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Knight G5 का भी थ्रेट है फ्यूचर में, Dd7 तो Bd2, Queen C7 और यहाँ पर Bishop G5। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि दबाव जो है वो पूरी तरह से काले मोहरे के खिलाड़ी के ऊपर है, और सफ़ेद की इस पूरे गेम में कोशिश क्या रहेगी, कहीं ना कहीं जो सफ़ेद जो ब्लैक के जो किंग है, काले का जो किंग है, उसको सेंटर में रखा जाए ताकि उसके जो मोहरे हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए, मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, और एक प्रकार से सफल भी रहे मिखाइल ताल इस अपनी योजना में। आगे खेल देखते हैं, Bd7 का जवाब दिया यहाँ पर मिखाइल ताल ने Queen H5। यहाँ पर King D8 एक अच्छा चाल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बुटवनिक ने जवाब दिया Knight G6, जो कि उतना अच्छा चाल नहीं था, और इसके बाद मिखाइल ताल ने जो है खेल में पकड़ बनाना शुरू की। हालांकि मैच के बाद कई लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि क्या आप उस समय Queen H7, Knight E7, Queen H5 इस तरह से सोच रहे थे, तो ताल ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो ये एक प्रकार से हार मानने जैसा होता, क्योंकि इस तरह की स्थिति लेने के बाद मुझे आक्रामक खेलना ही जो है सूट करता और मुझे खेलना भी चाहिए था, जैसा कि उन्होंने मैच में किया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे Knight G6 खेला तो जवाब दिया Knight E2 यहाँ पर मिखाइल ताल ने। Knight E2 एक ऐसी चाल आई बोर्ड पर जिसके बाद 37 मिनट बुटवनिक ने जो है बोर्ड पर सोचा, और 30 मिनट तक वो सोचते रहे, क्योंकि ये चाल ये सामान्य चाल नहीं थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, और मैं आपको एक एक करके सारे ऑप्शन दिखाता हूँ। दरअसल ये Knight E2 कर क्या रहा है, Knight E2 जो है वो Knight F4 की तरफ जा रहा है, और E6 पर भी प्रेशर बना रहा है और G6 पर भी प्रेशर बना रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर इसमें Knight C6 को ही खेले तो C into D4 कासल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है सीधे सीधे दो प्यादे अप है सफ़ेद, और कोई इसमें समस्या नहीं है काले को खेल को आगे ले जाने के लिए, और सेंटर जैसा कि पूरी तरह से ब्लॉक है, Rook B1 भी फ्यूचर में एक्टिवेट होगा, तो सारे मोहरे जो है वो कहीं ना कहीं से खेलेंगे, और ये जो मैच है ये सफ़ेद जो है वो जीत जाएगा, काफ़ी बेहतर है। अगर D into C3 मारते हैं, मतलब एक पॉन वापस लेते हैं, तो Knight F4 गुड मूव है। अब यहाँ पर King F7 खेलना होगा, यहाँ पर एक गुड मूव है Bishop D3। अब आप देख सकते हैं कि G4 का थ्रेड भी लगा हुआ है, कभी Bishop into F5 भी आ सकता है। खैर अगर यहाँ पर आगे खेल बढ़ता और Queen into E5 जैसे कुछ खेलते, सो नाउ Rook B1, B6 और G4, इस तरह से जो है सफ़ेद एक बार फिर खेल में पकड़ बना लेता। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि F5 स्क्वायर पर जो एक्सचेंज होने वाला है, और उसके बाद ये जो रुक एक्टिवेट हो रहा है, ये काले के लिए जो है वो बिल्कुल अच्छी बात यहाँ पर नहीं है, और G6 पर जो दबाव है वो तो है। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट Queen into E5 मारते हैं तो भी दिक्कत है C into D4। अगर आप Queen G6 जाते हैं यहाँ पर G7, तो यहाँ पर एक गुड मूव है Queen H6, मतलब अगर यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज हो जाए तो आप बोर्ड पर स्थिति देखिए सफ़ेद के मोहरों की और काले के मोहरे की, और सफ़ेद जो है वो क्लियरली यहाँ पर पॉन अप है, और अगर यहाँ पर एक्सचेंज होता है तो ये सीधी सीधी जो है विनिंग पोजिशन आ जाएगी मिखाइल ताल की। तो Bishop A4 वगैरह अगर कुछ ऐसा खेलते ताकि D3 पुश हो सके, तो Knight F4 जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव है। तो सारे वेरिएशन में जो है दिक्कत आ रही थी मिखाइल बुटवनिक को, और इसीलिए मिखाइल बुटवनिक ने यहाँ पर 37 मिनट सोचा, उन्होंने जवाब दिया D3 के साथ C into D3, Bishop A4 चेक आया यहाँ पर, जो कि उतना अच्छा मूव नहीं था, शायद यहाँ पर Knight C6, D4 और लॉन्ग कैसल करके खेलना चाहिए था। हालांकि ये भी जैसे कि हमने बात की, ये सफ़ेद के लिए ही बेहतर है। ओके, Bishop A4 चेक, तो जवाब दिया King E1। अब आप कमाल देखिए कि राजा जो है वो सेंटर पे है,
ये राजा भी सेंटर पर तुलनात्मक तौर पर दोनों में सफेद जो है वो सेफ है, जबकि काले के पास अभी काफी सारी समस्याएं हैं। जवाब दिया उन्होंने क्वीन इनटू e5, मतलब जो है अपनी पॉन उन्होंने यहाँ पर एक वापस ले ली। लेकिन इस पॉन को लेने का क्या फायदा हुआ? अगली चाल जो मिखाइल काले ने चली वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिशप g5। जी हाँ, किंग को जितना हो सके सेंटर पर ही रखना है और बिशप g5 उसी की दिशा में एक प्रयास था। और यहाँ पर जवाब दिया नाइट c6। तो अगली चाल चली यहाँ पर मिखाइल काले ने d4, ठीक है, सेंटर को यहाँ पर पकड़ लिया और क्वीन c7। और अगली जो चाल थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे एक मोहरा और खेल में आ गया। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो आप देखने वाले हैं आने वाले और कुछ चालों में, कैसे मिखाइल ताल अपने मोहरों को एक्टिवेट करते हैं और उनको खिलाते हैं, यही बात मिखाइल ताल से सीखने वाली है। ओके, यहाँ पर जवाब दिया h4, गुड मूव। h4 दरअसल ये जो रुक है, अब वो रुक खेल में रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें कि कभी भी काला जो है यहाँ से ये पॉन सेक करके किंग सेंटर को ओपन करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जवाब दिया यहाँ पर e5, सेंटर को ओपन करने की तैयारी। सो रुक h3 एकदम टाइम पे आया, क्वीन f7, सो d into e5, नाइट c5 और यहाँ पर रुक e3। तो मतलब किंग को प्रोटेक्ट भी कर दिया और रुक को एक्टिवेट भी कर दिया। तो यहाँ पर जवाब दिया किंग d7। अच्छा, यहाँ पर रुक h8 एक मूव हो सकती थी, लेकिन ये मूव सही नहीं थी। आप चाहें तो बोर्ड पर पॉज करके सोच सकते हैं कि दरअसल रुक h8 गलत चाल क्यों है। रुक h8 गलत चाल इसलिए थी क्योंकि रुक इनटू e5 यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है, आपको किंग को बचाना होगा और नाइट से तो आप मार नहीं सकते, रुक चला जाएगा आपका। रुक e7 अनदर गुड मूव। अब यहाँ पर क्वीन इनटू e7, क्वीन इनटू g6, तो एक क्लियरली विनिंग पोजीशन अगेन सफेद की आ जाती है, इसीलिए रुक h8 जो सही गलत चाल थी। तो किंग d7, रुक b1, तो एक और रुक को प्ले में ले आए, मतलब कोई ये दोनों रुक जो है अब खेल में धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिशप पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट जल्द ही बोर्ड पर आने वाला है, नाइट जैसे ही बाहर आएगा बिशप भी बोर्ड पर आ जाएगा, जबकि अभी भी काले के मोहरों के बीच कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी उस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर b6 खेल के थोड़ा सा ये गलत चाल हो गई क्योंकि इस स्क्वायर को भी कमज़ोर कर लिया, इस स्क्वायर को भी कमज़ोर कर लिया। यहाँ पर बिशप c6 बेटर मूव हो सकती थी। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये वो पोजीशन आ चुकी थी, यहीं पर बोटवनिक समय के दबाव में आना शुरू हो गए थे, मतलब समय के दबाव में आ गए थे वो। तो b6, नाइट f4, तो एक और पीस भी बोर्ड पर आ गया, तो सारे पीस जो है वो बोर्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक पीस जो है बड़ा पीस क्वीन, शायद उसकी जगह जो है अब उतनी सही नहीं रह गई। तो आने वाले समय में देखेंगे क्या किया इसके इस पीस के साथ यहाँ पर निकलता है। जवाब आया रुके e8, सो रुक b4, मतलब एक और टेम्पो के साथ आप देख सकते हैं बिशप के ऊपर आक्रमण करते हुए इस मोहरे को भी जो है सेंट्रलाइज करने की तरफ हम आ गए हैं। ओके, जवाब दिया बिशप c6। तो अगली जो गुड मूव थी वो दिखाती है मिखाइल ताल का क्लास। उन्होंने देखा कि क्वीन की जो है स्थिति है वो वहां पर उतनी जरूरत नहीं है, तो क्वीन d1 बहुत ही साइलेंट मूव है और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कि कैसे वो बोर्ड पर क्वीन को एक्टिवेट करते हुए वापस ले आया। यहाँ पर नाइट इनटू f4 खेला, परेशान हो गए थे मिखाइल, सॉरी बोटवनिक इस नाइट से, है रुक इनटू f4, नाइट g6 गए, यहाँ पर रुक d4 वापस एक्सचेंज किया fe3। बड़ा आप देख सकते हैं कि जो पॉन की स्थिति है यहाँ पर 5 पॉन और 4 पॉन, 1 पॉन क्लियरली अप और ये पॉन पॉस्ट पॉन भी है। तो यहाँ पर खेल बचाना ज़्यादा आसान नहीं था यहाँ पर किंग c7, और ख़ासतौर पर किंग जो है वो देखिए सेंटर पर बैठ के भी जो है कोई आज अभी तक उसे कोई परेशानी जो है नहीं है यहाँ पर। और अगली जो फाइनल मूव हम कह सकते हैं यहाँ पर खेली मिखाइल ताल ने अपने रुक को ओपन फाइल दिलाने के लिए, उन्होंने खेला c4 और स्ट्रॉन्ग मूव d into c4 और बिशप into c4, यहाँ पर क्वीन g7, बिशप into g8, क्वीन into g8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और h5 के बाद जो है खेल जो है रिजाइन कर दिया यहाँ पर मिखाइल बोटवनिक ने। एक बड़ा झटका था उनके लिए, मौजूदा विश्व चैंपियन थे और उन्हें 23 साल के एक युवा खिलाड़ी ने पराजित किया। और आपको देखा कि c4 को जो है अवॉइड नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि आप नहीं मारेंगे तो हम मारेंगे और स्थिति जो है वो और खतरनाक हो सकती है, तो c4 जो है वो ऑलमोस्ट फोर्स था यहाँ पर। तो दोस्तों इस स्थिति पे खेल समापन हुआ। 23 साल के मिखाइल ताल ने पहले ही मैच में विश्व चैंपियनशिप के मिखाइल बोटवनिक को पराजित कर दिया और एक मतलब सनसनी फैला दी विश्व शतरंज के परिदृश्य पर। और आगे चल के उन्होंने मुकाबला जीता, तो आगे भी हम उनके जो है और महत्वपूर्ण जो इस विश्व चैंपियनशिप में मैच है उन पर हमारी नज़र रहेगी। तो देखते रहिए चेस बेस इंडिया, जुड़े रहे हमसे, अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।